अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आपके घर में किसी को मोच आ जाती है या इंजरी की वजह से सूजन हो जाती है तो आप हॉट पैक का इस्तेमाल करते हैं या कोल्ड पैक का इस्तेमाल करते हैं? मोस्टली लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि आपने हॉट पैक और कोल्ड पैक को किस तरह से अप्लाई करना है और किन किन कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हो और कितने टाइम के लिए इसको अप्लाई करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना है एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो माई यूट्यूब पेज, इंस्टाग्राम पेज एंड फेसबुक पेज। ये हॉट एंड कोल्ड पैक आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगा। ये घरों में इस्तेमाल करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हॉट पैक अगर आपने यूज़ करना है तो आप उसको कुछ टाइम के लिए माइक्रोवेव में रख दो और ये हॉट पैक हो जाएगा, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोल्ड पैक इस्तेमाल करना है, आप इसी को फ्रीजर में रख दो तो ये कोल्ड पैक की तरह काम करेगा। चले अब मैं आपको बताती हूँ उसको यूज़ कैसे करना है। कोल्ड पैक हम एक्यूट इंजरीज में इस्तेमाल करते हैं। एक्यूट इंजरीज का मतलब ऐसी इंजरीज या चोट जिसको एक या दो दिन से ज़्यादा ना टाइम गुजरा हो, क्योंकि इस टाइम में क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, तो इंजरी के पास टू डेज होते हैं उसमें जो सूजन होती है वो एक प्रोमिनेंट सिम्टम नज़र आता है। इसलिए हम कोल्ड पैक अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन जो होती है उसको सप्रेस कर देती है और उस एरिया को नम कर देती है ताकि पेशेंट को फौरन पेन रिलीफ हो जाए। हॉट पैक को हम क्रॉनिक इंजरीज में इस्तेमाल करते हैं। क्रॉनिक इंजरीज का मतलब यह है कि ऐसी इंजरी या चोट जिसको 3 या 4 दिन से ज़्यादा हो चुके हों। क्रॉनिक इंजरीज में सूजन तो सेटल हो जाती है, लेकिन जो पेन हो रहा होता है वो मसल टाइटनेस की वजह से हो रहा होता है या मसल सोरनेस की वजह से हो रहा होता है, इसीलिए हम हॉट पैक का इस्तेमाल करते हैं। हॉट पैक का जो फंक्शन है या मैकेनिज्म है वो ये है कि वो ब्लड सप्लाई को उस एरिया में इंक्रीज करती है और उस ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का जो फ्लो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है और पेनफुल सिग्नल्स वहां पे सप्रेस हो जाते हैं और पेशेंट रिलैक्स हो जाता है। मोस्टली जो रिसर्चेस हुई हैं उसमें ये बताया गया है कि हॉट एंड कोल्ड पैक को आप एक साथ भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस के पेशेंट में आप पहले कोल्ड पैक लगाते हैं फॉर 10 मिनट, देन हॉट पैक लगाते हैं एंड देन कोल्ड पैक लगाते हैं। इस तरह यूज करने से पेशेंट का जो पेन है वो कम हो जाएगा और आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं कि हॉट पैक और कोल्ड पैक को कितने टाइम पीरियड के लिए अप्लाई करना चाहिए। हॉट एंड कोल्ड पैक जो होता है वो 10 टू 15 मिनट्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए वरना स्किन बर्न भी हो सकती है और फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है। अब आपने ये हॉट पैक और कोल्ड पैक स्किन पे कैसे लगाना है? आपने इसको डायरेक्टली स्किन पे कभी अप्लाई नहीं करना। आपने हमेशा कोई भी क्लोथ या टॉवल ले लेना है और उसमें आपने रैप करके फिर स्किन पे लगाना है। इससे क्या होगा कि स्किन बर्न और फ्रॉस्ट बाइट के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे और आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो माय यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज एंड फेसबुक पेज। टिल देन अल्लाह हाफिज़।